एसबी न्यूज सच्चाई के साथ। त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जनपद में 61 जिला पंचायत सदस्य, 1517 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 12,997 ग्राम पंचायत सदस्य एवं 1,003 ग्राम प्रधान प्रत्याशियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस 19 अप्रैल को प्रभात 7 बजे से सायं 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 1,523 मतदान केंद्र एवं 4,131 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मतदान पार्टियों की रवानगी तथा मत पेटिकाओं के जमा एवं मतगणना स्थल भी चयनित कर लिए गए हैं। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में 1 पीठासीन अधिकारी तथा 3 मतदान अधिकारी सहित कुल 4 कर्मी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए प्रत्येक टीम में लगाए गए हैं। इस प्रकार आरक्षित सहित कुल 19,832 कर्मी की तैनाती की गई है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने देते हुए बताया कि जनपद में 137 न्याय पंचायत, 1,003 ग्राम पंचायत है एवं 61 जिला पंचायत, 1,517 क्षेत्र पंचायतों की संख्या है। मतदान पेटियां सभी विकास खंडों के निर्धारित स्थलों से रवाना होंगी एवं विकास खंडों में ही निर्धारित स्थलों पर मत पेटिकाएं जमा करने के साथ ही मतगणना आगामी 2 मई को की जाएगी। जनपद को 14 जोन एवं 164 सेक्टर में विभक्त कर जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो अपने क्षेत्र में सत्ता व पैनी नजर रखेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की विकास खंडवार तैनाती नोडल अधिकारी के रूप में भी किया गया है। जनपद में कुल 25,02,064 मतदाता हैं, जो मतदान के दिन अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से चुनाव को सम्पन्न कराने का निर्देश दिया है। शासकीय व्यवस्थाओं के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा निर्वाचन की शुचिता और निष्पक्षता को पूरी तरह से बनाए रखेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे निर्वाचन की पवित्रता प्रभावित हो। उन्होंने मतदाताओं से भी अपील करते हुए कहा है कि वे भयमुक्त होकर अपना मत डालें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेगा। सभी मतदान केंद्रों बूथों पर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती रहेगी। गड़बड़ी करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को कतई बख्शा नहीं जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कल चौथे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। प्रशासन के साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति खलल डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर से सुनील यादव।